गाइस, मैं आपका दोस्त आकाश कस्तूरिया। तो गाइस आज निकल चल रहे हैं अपने नए सफर की ओर, और हम जा रहे हैं कहाँ? हम जा रहे हैं गोवा। अभी गाइस मैं अपने ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और मेरे को अपनी फ्लाइट पकड़नी है, बाकी एयरपोर्ट पहुँचने के बाद बताऊँगा। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट, ये देखिए, और मैं अकेला जा रहा हूं गोवा क्योंकि मेरे जितने साथ के थे वो अलग फ्लाइट से आ रहे हैं और मैं अकेला हूं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। तो कोई बात नहीं, वन मैन आर्मी हम, देखिए, और फटाफट से एंट्री लेते हैं, बाकी का अंदर बैठ के बात करेंगे। सो गाइस फाइनली मैंने एंट्री ले ली है एयरपोर्ट के अंदर, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट को है टाइम, एक घंटे का टाइम है, और मैं बैठा हूँ। गाइस एंट्री ले ली है हमने, पीछे खड़ा है हमारा एरोप्लेन, और फटाफट से ले लेते हैं एंट्री। आई एम रेडी फॉर गोवा। इतना अच्छा सनसेट हो रहा है। तो गाइस अपन बैठ चुके हैं फ्लाइट में। सो गाइस हम गोवा पहुंच चुके हैं और बड़ी सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है हमारी। देखिए पीछे कसीनो है, कसीनो। जितने भी शिप है पानी में खड़े हुए हैं, सारे कसीनो के ही है। सो गाइस मैं अपने लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, ये देखिए पीछे लोकेशन है, और एयरपोर्ट से हमें लेके आए अंकल, और हम आए बाइक पे, ये देखिए बाइक पे ही। वाह मोदी जी, वाह। बाइक पे ही मैंने अंकल जी को कर लिया था एयरपोर्ट पे ही। अंकल कितनी दूर, कितना टाइम लगा हमें? एक घंटे में हम अपनी लोकेशन पे बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंच गए। चलो फिर गाइस मैं अंदर चेक इन करता हूँ और बाकी का बताते हैं। सो गाइस मैं अपने पूरे इस विला का टूर देता हूँ आपको, चलिए मेरे साथ में। सो गाइस ये है ड्राइंग रूम, देखिए और यहाँ से रूम स्टार्ट है हमारी, एक हो गया, यहाँ किचन है, एक हो गया, ये भी किचन आ गया, एक हो गया। सो गाइस बाकी लोग भी आ रहे हैं मेरे साथ के, मैं ही पहले पहुंच गया, पहले मैं अकेला पहुंच गया यहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ था मेरे साथ में कि हम मेरी जो फ़्लाइट थी वो मेरी फ़्लाइट सबसे अलग हो गई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हुआ था कि बुकिंग साथ में की थी,
मगर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरी फ्लाइट बुक, मैं अकेला, मेरा टर्मिनल अकेला, मेरा एयरपोर्ट अकेला, गोवा वाला एयरपोर्ट भी अकेला, मतलब कि उन सब का अलग है, मेरा अलग है। तो मैं कोई नहीं, मैंने दिल्ली से पहले गोवा आया, फिर गोवा से फिर मैंने ये लोकेशन ढूंढी, यहाँ आया, वो बाकी लोग सारे एक साथ आ रहे, मैं अपना अकेला आया। तो ये मेरी जर्नी थी। बाकी मैंने बहुत मस्त जुगाड़ लगाया एयरपोर्ट से निकलते, भाई बड़े एक्सपेंसिव रेट मांग रहे थे भाई, इतने 2000 से प्लस प्लस, रात भी हो गई थी। और भैया अंधाधुन मैंने स्मार्ट वर्क करा, मैं थोड़ा सा आगे आया, वहाँ वो गुत्थम गुत्था चल रही थी वहाँ पे मेरे को ले जाने के लिए, वहाँ पे एक बंदा आया बाइक वाला, उसने बोला भैया, उसने तो आधे से भी से ज़्यादा बोला कि इतने में लेके जाऊँगा। मैंने उस थोड़ा साइड मार के उसको बोला भैया चलो, बस उन अंकल ने मुझे छोड़ दिया यहाँ पे, जिनको मैंने, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या, मस्त उन अंकल ने मुझे छोड़ दिया यहाँ पे जिनको मैंने दिखाया था, मस्त बिल्कुल यही गेट के बाहर मेरी जो थी वो बाइक यहाँ रुकी और सीधा मैंने एंट्री ले ली, मस्त। सो गाइस सारे गंदे आ चुके हैं हमारे, हम आए डिनर के लिए, रात के बज रहे हैं 1, ये राजेश जी आ रहे। सो गाइस रात को डिनर के लिए आए हैं, रात के बज रहे हैं, दिखा दो कितना टाइम हो रहा है, 1 बज रहे रात के, क्योंकि सब लेट आए थे रिजॉर्ट में, फिर हुआ खाने का, अभी निकले हैं, अभी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। भाई बता ऑर्डर में क्या मंगाया? हमने मंगाया एक तो दाल मखनी मंगाई है, अच्छा, एक पनीर टिक्का मसाला मंगाया, हाँ, और एक सोया चाप मसाला मंगाया, ठीक है, और मंगाया 10 नान। 10 नान तो। खाने वाले हैं 6, खाने वाले हैं 6। डिनर लेट हो गया अपना, है ना, लेट क्या, फ्लाइट लेट थी, फिर मैनेजमेंट सब लेट होता चला गया। चलो सो गाइस पूल में मस्ती करने के लिए आ चुके हैं हम, कैसा लग रहा है? अब माय मौज मानदी बिल्कुल कतई। और बाकी देखो वहां पे स्विमिंग कर रहे हैं हमारे साथ के, चले तैरते हुए चले। हाँ जी पूल मस्ती चल रही है, बहुत बढ़िया, पूल में गोवा में आ गए रात के 3 बजे, 3 बजे पूल में। सो गाइस रात के बज रहे हैं 3 और हमने खाना खाने के बाद आ गए पूल में। अबे तुझे खाना खा भी लिया था, खाना भी नहीं खाया। हाँ सर ने खाना नहीं खाया, बाकी हम तो खाना खा लिए थे, और बाकी हम फुल मस्ती चल रही है पूल में, बज रहे रात के 3। अब थोड़ा सा देर हम स्विमिंग करेंगे, तो आओ तो गाइस सारे बंदे हम पूल में आ चुके हैं, हमारी सारी पब्लिक आ गई और फुल चिल कर रहे हैं, मजा आ रहा है बिल्कुल। यही तो वेट कर रहे थे जब से, फाइनली करने के बाद हम उतरे जाके 3 घंटे वेट किया, गोवा का ये मजे करेंगे, इसी मजे के लिए तो गोवा आए हम, और सुबह 3 बजे पूल में, ये तो है अमेजिंग। और अभी तो आधे लोग दिल्ली में ही है, हाँ बाकी सारे आएंगे, हमारी पार्टी होगी ऑफिशियली कल हमारी।
50 तोला पानी में तो जा गाइस, सिस्टम पार देंगे। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। राम राम भाइयों, राम राम सारे भाइयों ने। ये अपना 75 डेज का पांचवा दिन है। आज हम आए हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए स्विमिंग पूल में। हाँ, 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपनी डाइट लेंगे और सिस्टम पार देंगे। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश कस्तूरिया। तो गाइस, बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 और हम उठ गए हैं। कल रात बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसलिए सो गए थे, अब उठे हैं। अब जा रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो गाइस, पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे ब्रेकफास्ट के लिए। कहाँ है हिमांशु भाई? हम ये है मार्टिन सिस्टा द बोटिक होटल। तो जी, यहाँ है पीछे हम, और सारी पब्लिक हमारी अंदर बैठ चुकी है, उनको भी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे। चलते हैं। ये बाकी पब्लिक यहाँ पे है, ये देखिए। सो गाइस, ब्रेकफास्ट आ गया है और ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और मैं खा के बताता हूँ कैसा है, और मैं अपनी मील इन्जॉय करता हूँ, आप भी करें। हाय, ये हमारे उमेश सर है। बस हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं, इन्जॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। क्या पीने में? कैसा ब्रेकफास्ट है? बढ़िया है, भटूरे बढ़िया, मौज आ रही है, पराठे। तो जग्गी सर है हमारे, यही हमारे ऑर्गेनाइजर है यहाँ के। ये बच्चे मुझे लेके आए हैं यहाँ पे घुमाने के लिए, तो वो अभी थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। अभी तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बाकी बिग बॉस से एक दिन तो हमने गुजार लिया कल। बहुत अच्छा रहा है। सर, दही मिल गया आपको? सर दही ढूंढ रहे थे और दही हमें यहाँ पे मिल गया नाश्ते में। मजा आ गया। बाकी हमारे हाजी अभिषेक भाई, मौज आ रही है, कट्टी मौज आ रही है भाई, कट्टी। खाना खत्म कर लिया तुमने? जल्दी। और हमारे एक और ऑर्गेनाइजर दिनेश सर, ये हमें घुमा रहे हैं यहाँ पे। मैं नहीं घुमा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ लेके आया हूँ, ऑफिस की तरफ से है पार्टी की। ऑफिस की तरफ से पार्टी है। सो गाइस, सबसे तो मिलवा दिया, सबने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। बाकी मैं एक बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ब्रेकफास्ट करने आए हम जिस कैफे में, वहाँ फुल लोड है। बॉय। तो गाइस, जिस कैफे में आए उनके ओनर यही हैं, और कोई बात नहीं, हमने हमें इन्होंने बहुत अच्छे से नाश्ता वगैरह कराया है, ब्रेकफास्ट, और सबको बहुत ही अच्छा। हमें पराठे तो बहुत अच्छे लगे आपको? वैसे तो सब कुछ ही था बहुत अच्छा, सर्विस। हाँ, वैसे क्या लोकेशन रहती है इसकी? ये पर्रा। मेरा नाम परविंदर है। ओके, आपकी लोकेशन का नाम नहीं है? लोकेशन पर्रा है ना। ओके, और क्या मतलब नियर बाय क्या रहता होगा यहाँ पे? नियर बाय मतलब की करते हैं ये रेस्टोरेंट का नाम? ये मार्टिन सिएस्टा। हाँ, तो गाइस मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, कोई अगर गोवा आना चाहे तो यहाँ पे आओ, उनका जैसे मिलो, उनका नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और मस्त खाना वाना खिलाते हैं बढ़िया करके। थैंक यू सर। तो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और बहुत ही ज़्यादा हमने मस्ती करी, और ब्रेकफास्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था।
और आज दिन का डे की शुरुआत है हमारी, ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब निकलेंगे हमारे ऑफिशियल, जो हमारे ऑफिस वालों ने किया है लोकेशन वहाँ जाना है। पहले तो हम अपने विला जाएंगे, चेंज वेंज करते हैं जिनको करना है, तो सीधा निकलेंगे वहाँ, फिर वहाँ से स्टार्ट होगी हमारे बिग बॉस की दूसरा डे। सो गाइस, अपने विला में वापस आ चुके हैं हम, देखिए पीछे अभी आए हैं, तो बाकी आधे लोग पूल में कूद चुके हैं, पूल में कूद चुके हैं भाई। स्विमिंग स्विमिंग की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे, योगी भाई दे रहे हैं ट्रेनिंग। सो गाइस, पूल पार्टी चालू हो चुकी है फिर से, ये बात गाइस, फुल मस्ती चल रही है पूल के अंदर हमारी, और सारे लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं, बाकी यहाँ पे एंजॉय करते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। ये हमारे भाई का ब्लॉगिंग चैनल है, प्लीज सपोर्ट कीजिए इसको, मेहनत करते हैं हमारे भाई, वो ट्रिप छोड़ी अगर चेक कीजिएगा हमारा ब्लॉग, बिल्कुल हमारा चेक, हमारे ब्लॉग आकाश का स्टूडियो ब्लॉग, और लगे रहना इसमें सारे ब्लॉग आएंगे। और ये देखिए यहाँ पे, सो गाइस निकल चुके हैं, चेकआउट कर लिया हमने अपने विला से, अब जा रहे हैं अपने होटल, गाड़ी में बैठ चुके हैं सारे भाई। गाइस, एक हमारी गाड़ी आगे चल रही है थार, और हमारे फॉर्च्यूनर है पीछे थार बुक कराई इनो में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने होटल, हम स्टे किया है, ये देखिए पीछे कंट्री इन, हम एंट्री लेंगे